साल 2023 खत्म होने को अब कुछ ही दिन बाकी है। जल्दी हम साल 2023 को टाटा बाय बाय करते होंगे। फिल्मों के मायने से देखा जाए तो साल 2023 मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा गया है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री की साल 2023 में बहुत ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने हिंदी के बड़े बड़े बैनर्स को तगड़ी टक्कर दी है। बॉलीवुड जो सिनेमा के लिए खुद की हुकुमशाही चला रहा था, वहाँ अब रीजनल सिनेमा भी बॉलीवुड को कुछ नया करने के लिए उकसा रहा है। बॉलीवुड की ऐसी गंदी आदत के कारण ही रीजनल सिनेमा अब नेशनल आइडेंटिटी बनते जा रहे हैं। चाहे वो तमिल, तेलुगु या कन्नाडा, मलयालम या मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, सिनेमा के हर एक एंगल में बॉलीवुड को तगड़ी टक्कर मिल रही है। अब ये देखना यकीनन मुश्किलों भरा है कि बॉलीवुड इस धक्के से किस तरह उबरता है। जहाँ रीजनल सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास जाने के लिए हर नए पत्रे आजमा रहा है, वहीं पे बॉलीवुड पुराने ही नखरे दिखा रहा है। साल 2023 में सीधे बॉलीवुड से टक्कर लेने वाले मराठी फिल्मों की मैंने एक लिस्ट बनाई है। अगर ये लिस्ट आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेड मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए रितेश और जिनेली देशमुख की ये फैमिली प्रोडक्शन वाली दूसरी फिल्म है। वैसे तो साल 2022 के दिसंबर में ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन साल 2023 का पूरा जनवरी का महीना वेड की शो थिएटर में हाउसफुल चल रहे थे। नागा चैतन्य और समंता स्टार मंजिली का वेड ये रीमेक था, लेकिन इसे ऑफिशियली किसी ने भी कंफर्म नहीं किया था। माउली फिल्म की तरह ही वेड का म्यूजिक भी कानों को सुनने के लिए सुकून भरा था। वेड के बाद में हम जिसकी चर्चा करने वाले वो फिल्म है वायवी। अतरंगी नाम और दिमाग को झटका देने वाली सस्पेंस वाली ये मूवी साल 2023 के जनवरी में ही रिलीज हो चुकी थी। 2023 की शुरुआत में ही जिस पावर स्टार की जरूरत थी वायवी ने वो लगभग दिला दी थी। स्वप्निल जोशी, शिवानी सुर्वे, सुबोध भावे और अनिता दाते जैसे मराठी के दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था। जितना इस फिल्म के वेड नाम से फिल्म के प्रदर्शन के पहले ही इसकी चर्चा हो गई थी, लोगों में इसके प्रति कौतूहल देखने को मिल रहा था, उससे भी ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी और फिल्म के ज़बरदस्त क्लाइमैक्स के कारण फिल्म रिलीज के बाद में अगले 2 हफ्तों तक बॉलीवुड के बड़े फिल्म को टक्कर दे रही थी। एलिजाबेथ एकादशी और हाल ही में रिलीज हो चुकी आत्म पैम्पलेट जैसी मराठी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले परेश मोकाशी जैसे डायरेक्टर ने वाळवी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। केदार शिंदे डायरेक्टर महाराष्ट्र आयर ये फिल्म वाळवी के बाद में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म थी। महाराष्ट्र के जबरदस्त लोक कलावंत शाहीर साबळे जी के जीवन चरित्र के ऊपर आधारित इस बायोपिक के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रही थी, लेकिन जितनी चर्चा और क्यूरियोसिटी लोगों में इस फिल्म के प्रति देखने को मिल रही थी, उस क्यूरियोसिटी को और क्रेज को थिएटर तक लाने में डायरेक्टर केदार शिंदे थोड़ा असफल ही रहे हैं। फिल्म का संगीत मराठी के बेहतरीन संगीतकार जोड़ी अजय अतुली जोड़ी ने दिया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए शाहिर साबळे जी के पुराने गानों को जिस तरह से रिक्रिएट किया था, सच में काबिले तारीफ था। सूबेदार मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अब पारंपरिक फिल्मों का एक नया ही दौर देखने को मिल रहा है। सूबेदार इस फिल्म को मराठी के डायरेक्टर दिग्पाल रांजेकर ने डायरेक्ट किया था और ये शिवराज अष्टक की सिनेमेटिक यूनिवर्स की लगभग 5वीं फिल्म थी। इस फिल्म में अभिनेता अजय पुरकर ने मराठी साम्राज्य के सूबेदार रह चुके नरवे तानाजी मालोश्री जी का किरदार बहुत बढ़िया तरीके से पर्दे पे निभाया था। अजय देवगन स्टारर तानाजी इस फिल्म से इस फिल्म की तुलना होना इस फिल्म की सभी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि मानी जाती है। बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था। बायपन भारी देवा इस फिल्म को साल 2023 की सबसे कामयाब फिल्म के तौर पे देखा जा सकता है। कमाई के मामले में बायपन भारी देवा ये मूवी मराठी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। इस फिल्म ने कमाई के मामले में वेड सरड जैसी फिल्मों को भी कहीं दूर पीछे छोड़ दिया है। केदार शिंदे डायरेक्टर इस फिल्म में वंदना गुप्ते, सुचित्रा बांदेकर, दीपा चौधरी, शिल्पा नवलकर, सुकन्या मोने और रोहिणी हट्टंगडी जैसी मराठी की दिग्गज अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में काम किया है। आत्म पैम्पलेट ये भी फिल्म इस साल की सफल फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। अलग विषय, हटके संवाद और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय के कारण ये फिल्म प्रेक्षकों के लिए एक बेहतरीन मेजबानी की तरह थी। आशीष बेंडे इस डायरेक्टर की मराठी के लिए पहली ही फिल्म थी, लेकिन परेश मोकाशी जैसे प्रतिभावंत डायरेक्टर का परिपर्श मिलने के कारण ये फिल्म और भी दिखने लगी बन चुकी है। ऑडियंस और क्रिटिक को शायद ही कोई फिल्म साथ में पसंद आती हो, लेकिन आत्म पैम्पलेट ये फिल्म दोनों को भी पसंद आ चुकी थी। नवंबर 2023 को रिलीज हो चुकी झिम्मा 2 इस फिल्म ने भी थिएटर में हाउसफुल के बोर्ड लगाए थे। झिम्मा 2 ये फिल्म एक्चुअली झिम्मा फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म में भी मराठी की बहुत सारी दिग्गज अभिनेत्रियाँ देखने को मिल रही थी और ये वीडियो पोस्ट होने तक ये फिल्म मराठी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की याद में अपना नाम बना सकती है। साल 2023 की मराठी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट के लिए आपको कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू लिस्ट के साथ में, मिलते हैं और नई फिल्मों के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।